अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर अजमल मलिक और अपना प्रोग्राम लेकर आया हूँ एक सवाल, और आज मेरे सवाल का जवाब देने के लिए जोया चौधरी मेरे पास हैं, थिएटर की नामवर आर्टिस्ट हैं, नामवर फनकारा हैं। जोया चौधरी साहब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप हमने चैनल पर दोबारा बुलाया। मैं आपको एक फिर नया सवाल करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, पिछली बार की तरह इस बार भी कोई हैवी सवाल होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हैवी सवाल नहीं है। हाँ। वही सवाल है, वो बंदा कहता है कि मेरा तो सवाल ही है। तेरा सवाल बहुत पारा होना मेरे पता है ना। मेरा तो सवाल है कि ते अगर तू ही पावे जवाब दे। ते मेरे को तो जवाब ही है। तो जवाब ही मांगने के लिए तो मैं जवाब ही थाने क्या नहीं, मेरे लिए चिट्टा जवाब है। तो आप सवाल तो सुन लेना, तो फिर उसके बाद जवाब दीजिए। करे सवाल तो डर लग रहा है जी। करे मैं सवाल करा तो तुम्हें जवाब ना दियो। सवाल तो वैसे भी मैं जवाब है, मुझे पता है। हां वो पक्का है, चिट्टा जवाब। सवाल सवाल सुन ले, फिर उसके बाद सोचिएगा कि जवाब चिट्टा है या काला है। देखिए आप जब ये डरा रहे हैं ना बीच बीच में, तो फिर वो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल डराता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल करता हूँ, अगला मान लेता है उसकी मेहरबानी, नहीं मानता तो जवाब है। मेरा सवाल ये है। अच्छा क्या है आपका सवाल? ये जिंदगी में आपने बहुत कुछ देखा है, तो मुझे ये बताएं आपको रोना पसंद है या रुलाना पसंद है? ये देखे कितना हैवी सवाल है। ये कौन सा हैवी सवाल है? देखो भी, रोना और रुलाना जिंदगी का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, ना रोने के बगैर इंसान मुकम्मल है और ना ही रुलाए बगैर इंसान। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये दोनों चीजें जो है हर इंसान में मौजूद है। पसंद क्या है आपको, रोना या रुलाना? पर्सनली बताऊं? हाँ। मुझे दोनों ही पसंद है, रोना भी और रुलाना भी। रो भी लेती है? मैं रो भी लेती हूं। कदों? हाय जी, तो दिल से बजती है। नहीं, ये वक्त बाद रोती उसी वक्त है जब दिल पर लगती है। हाँ। अच्छा, तभी रोती है जब दिल पे लगती है। कितनी मर्तबा हुआ दिल पे लगी और आप रोई है? क्या मतलब है आपका? नहीं जिंदगी में मतलब है। नहीं नहीं, लाजिम थोड़ी। दिल को कितनी मर्तबा तकलीफ पहुँची क्या? लाजिम थोड़ी, क्योंकि बॉयफ्रेंड की ही चोट, घरेलू चोटें भी लगती हैं। मैं तो बॉयफ्रेंड की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आपने जिसने बोला ना कि वो गलत ही थी। बॉयफ्रेंड तो दो दिन होता है, तीसरे दिन वो घरेलू घरेलू आदमी होता है। आपने कितनी मर्तबा रुलाया किसी को और किस किस को? मैंने इतना ज्यादा रुलाया नहीं किसी को, मुझे पता बहुत लोगों ने रुलाया। यानी आप बड़ी दुखी दिल की? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ी जोली सी हूँ। जोली लोग तो खैर दुखी दिल वाले ही होते हैं, कमजोर दिल वाले जोली। देखिए आप डॉक्टर साहब, आपकी बातों से इसीलिए मुझे डर लगता है, आप तो भेद खोल देती है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं भेद खोलने लगा। नहीं, अब आप गलत बात है। आप बताएं ना भेद, मैं कब खोलता हूँ भेद? नहीं तो वो फिर जो आप जब रुलाती है, किस बात पे रुलाती है? मैं तो जाहिर बात है ना, जो मेरा दिल दुखाएगा उसी को फिर मैं रुलाऊं। नहीं, किस बात पे दिल दुखता है? आपको सही ड्रेस ना लेकर दे तब दिल दुखता है। शॉपिंग का मामला दरअसल थोड़ा डिफरेंट है, मैं अपनी शॉपिंग खुद करती हूँ। तो उसमें पैसे कम पड़ जाए और आप मुड़ कर देखे अगले के पर्स की खाली हो चुका हो, तब फिर आपको रोना आता होगा? बिल्कुल भी नहीं, नेवर। मेरे पास एटीएम कार्ड है अपना। आपका अपना एटीएम कार्ड है? अकाउंट में पैसे कौन जमा कराता है? आप जब पैसे इस्तेमाल ज्यादा इस्तेमाल कर ले फिर रोती हैं? या अगले के ज्यादा लग जाए वो रुकता है? क्या मतलब? अगले के ज्यादा ना लगे तो रोना आता है। अच्छा, नहीं मंजी ठोक जावे फिर तुसी खुश हो? अरे बाबा, अगर कोई मतलब आपको मिसयूज करना चाह रहा है, हाँ हाँ। तो फिर आपको भी उसे मिसयूज ही करना चाहिए, या उसे बाय बाय बोलना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं तो मतलब आप जो भी कोई मिसयूज कर रहा है, तो फिर आप मतलब क्या है उसके बैंक अकाउंट खाली कर दो। हाँ, पहले तो एक बार ट्राई करूंगी कि उसको बोलूंगी प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे मिसयूज मत करो, आई एम नॉट टिश्यू पेपर, तो बाय बाय। अगर फिर भी वो तंग करेगा तो फिर उसको तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना, फिर रोने के बजाय रुलाना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं आप तमाम दोस्त के? yes. ये हमारी आर्टिस्ट जोया चौधरी क्या कह रही है,
ये कह रही है कि कोई अगर हमें तकलीफ देगा तो हम तो उसे जरूर बुलाएंगे, और अगर कोई खुशी देगा उसे डबल खुशी देगा, उसे डबल खुशी देगा, बिल्कुल हम उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, माथे पे बिठा के रखेंगे। और इनको इनके रुलाने का तरीका आपको पता चल गया है कि ये पहले माथे पर बिठाती है और फिर उसके बाद रुला देती है, रुलाने पे, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब करें तो रुलाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों रुलाएंगे। ऐसा ही है, और आइंदा जो है वो प्रोग्राम किसी दूसरे फनकार के साथ होगा, दूसरा फनकार भी अभी हमारे पास मौजूद है, मुझे अभी भी नजर आया है, तो मैं गोया चौधरी साहब से बस यही गुजारिश करूंगा कि वो खुद रो लिया करें, किसी को रुलाते हुए थोड़ा सा रहम कर दें, क्योंकि आप थोड़ी सी देर रो लेंगी तो अगला बेशक हैप्पी हो जाएगा, लेकिन जब आप रुलाने के लिए आएंगी तो फिर वो बेचारा सारी मुझे इजाजत दीजिए, मेरा सॉन्ग प्लीज, इंशाल्लाह दोबारा अपने चैनल पे जरूर याद करिए, तब तक आप अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।